बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है होली और आप सभी लोगों को होली की काफ़ी ज़्यादा शुभकामनाएं। और अभी जस्ट मैं मतलब नहा कर फ्री हुई हूँ और 8 बज चुकी है घड़ी में। नाना हो चुका है हम लोगों का, अब जो भी काम है वो करेंगे और होली है तो आज होली कैसे सेलिब्रेट करेंगे वो सब अब देखेंगे। तो आज तो कान्हा भी जल्दी उठ चुका है। बाबू हाय हाय। अच्छा मैं पागल हूँ, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, अच्छा शब्द है, अच्छा बोलते हो आप, ठीक। अब आप मेरे से बात मत करना, ठीक है? मैं अच्छी हुई नहीं, अब आप मेरे से बात ही मत करना, ठीक है? मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ या हूँ, अब आप मेरे से बात करो। हाँ मैं गंदी नहीं हूँ ना, हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ ना। पापा गंदे है? और आज आप स्नान करोगे पक्का? कितने दिन हो गए आज आपको स्नान किए हुए? 3 दिन हो गए ना। तो आपने सुना ही होगा कानू को 3 दिन हो गए आज नहाए हुए, क्योंकि मतलब इसकी आंखें लग गई थी यहाँ पे, ये गिर गया था जो उसकी वजह से मैंने इसको नहलाया नहीं था 3 दिन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था उसके। तो अगर पानी वगैरह लग जाए तो इसको दर्द था, इसलिए मैंने नहलाया नहीं। तो आज कानू भी स्नान करेगा। हाँ बेटा आप नीचे गिर रहे थे? अच्छा गुड़िंदे खा के नीचे गिर गए। हाँ। कोई बात नहीं, तो अब देखते हैं कि होली कैसे निकलती है हम लोगों की। तो आप लोग के साथ बने रहिए, काफी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को देखने में। हाँ तेरी बातें खत्म नहीं होगी, बाद में करना, ठीक है? मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ पार्टी में गए? ठीक है। क्या खाया वहाँ पे आपने? मैंने कुछ खाया मैं लग गई, खून आ गए थे। खून आ गए थे? वो उधर हाय कर दो एक बार। मम्मी आया था मम्मी। हाय करो ना बेटा। कहाँ लगी तेरे बता, कहाँ लगी? आँखें लगी। ओ भाई कहाँ लगी देखे, बता तो वापस। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आज नहीं है तो कब है? कल है। कल धुलेंडी है। कल धुलेंडी। आज धुलेंडी है। कल ही धोख दे दिया मैंने तो। मैं तो आज धोख देने मैं तो कल ही होली के लिए ये खाली इधर रखूं। कल ही होली के लिए मम्मी जी धुलेंडी है। हां कल ले धुलेंडी आज धुलेंडी। होली का दहन आज है, होली खेलने वाली कल है, कल आज तो होली जो तो मन ध्यान है, लेकिन काले धुलेंडी है वो ध्यान है मैंने। आज होली काले धुलेंडी भी है, कल धुलेंडी खेलने वाली कल है, आज सिर्फ होली का दहन। खेलने वाली को धुलेंडी बोलते हैं ना फिर। तो ये रिंकू का है ना डाइटिंग, क्या है ये, क्या है ये? मैं आपको बता रही थी ना कि मैं डाइट प्लान पे चल रही हूँ। तो अभी जैसे कि ये झाड़ू तो हाथ में रहती है मेरे, इसको नंबर मेरा ही तो मैं वही करूंगी। तो ये है वो गर्म पानी जिसमें मैंने जीरा और नींबू और काला नमक डाल के रोज मॉर्निंग में पीती हूँ। तो आपको इससे कुछ फर्क लगा? हाँ यूँ हल्का पर महसूस होता, लेकिन अब धीरे धीरे जाएगा, अंदर पेट कम करना है तो धीरे धीरे निकले अंदर। रिंकू ने रोटी खाना छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया, मीठा खाना छोड़ दिया, 1 महीना तो हो गया है इसको, पर रिस्पॉन्स ठीक है। तो किचन का काम भाभी कर रहे हैं सुबह, फटाफट से भाभी और मम्मी जी दोनों मिलकर कर रहे हैं, और बाहर का जो काम है वो फटाफट से मैं निपटा रही हूँ। क्या बनाया खाने में? क्या क्या बनाया भाई जीवने में? लापसी चावल, कड़ी, आलू, मटर, मीठी खट्टी मीठी सब्जी, अमचूर, फिर अब रोटी हो होना है नहीं आज। तो बाहर भाभी ने बना दिया है खाना और अब धूप ध्यान देंगे। आज होली है तो धूप ध्यान की तैयारी चलेगी और मैं अपना रूम साफ करूंगी, क्योंकि आज कानू के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो लेट उठे थे, तो उस वजह से अब मैं एक बार अपना रूम पूरे अच्छी तरीके से साफ करूंगी और उसके बाद कानू का काम भी बाकी, उसको नहलाना धुलाना तैयार करना हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा?
फोन के लिए तो ऐसा इमोशनल करता है मम्मा को, यूं रोके तेरे तो रोज के नाटक हो गए। पहले सो, चुप हो जा, चुप हो जा। फोन में क्या देखेगा? हाथी राजा। हाथी राजा? फिर चुप हो जाएगा फोन लेते ही? फिर नहीं रोएगा? पहले हंस, फिर मम्मा फोन देगी। हंस, एक बार हंस। ओ दे रही हूँ बीच का। चाचू देख रहा है तेरे को? तू देख रहा है चाचू? रुक जा, तेरे लग रही है मेरे दवाई लगा दे, डॉक्टर ने दी ना आपने? देख बता किस लगी तेरे? हो गए काम से फ्री? बिल्कुल, बस अब तो नींद आ रही है। शूट करना बाकी है अपने, बाकी की बाद में जब भूख लगी। आलू मटर की सब्जी मस्त थी, सबसे खाने का सामान बना है बट मैं नहीं खा पाऊंगी। कोई बात नहीं, शाम को खिला देंगे। अरे वाह, इतनी भयंकर हवा चल रही है बाहर, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आप मौसम देख सकते हैं, ये इस तरीके का मौसम हो रहा है और बारिश भी आ चुकी है आज होली के दिन, तो हम होली तो खेल नहीं पाए। और इस चंदू को ये देखो, ये अलग से मस्ती कर रहा है भाई। बेटा ये फटाफट से भर देते दोनों मिलके, बारिश आके चंदू लग फटाफट से। मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, फिर काम पे लगती हूँ। तो ये इतना भयंकर मौसम हो रहा है हमारे यहाँ, देखी बिजली। चंदू बिजली दिखी फोन में, बिजली माँ। अचानक से काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था और काफ़ी तेज हवा चल रही थी कि खड़ा भी नहीं रह पा रहे थे हम, इतनी ज़ोरदार हवा चल रही थी बाहर। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको अपने लाइफ से, लाइफ की कुछ प्रश्न बात शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा जल्दी फ्री हो गए थे हम लोग किचन से। वैसे किचन का काम मैंने किया नहीं था क्योंकि किचन में मुझे जाना नहीं था, भाभी ने अकेले ही किया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ प्रश्न बात शेयर कर लेती हूँ आपसे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जो मुझे पेट से ऐसे पेट के ऊपर जो गलत कमेंट करते हो ना, कि तू ऐसी दिखती है, तू वैसी दिखती, तू इतनी मोटी हो गई, तू भैंस जैसी वैसी, इन बहुत गलत कमेंट्स करते हो। ऐसे कमेंट्स करने से आपको क्या मिलता है? और रही बात मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करते दीदी आप प्रेगनेंट हो गया, प्रेगनेंट हो गया। तो मैंने आपको पहले ही एक ब्लॉग अपलोड किया था मैंने, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज वाला, तो उसमें भी मुझे ऐसे ही पूछा गया कि आप प्रेगनेंट हो गया। तो मैंने आपको क्लियर किया था कि मुझे जब कानू हुआ था तब मुझे ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन की वजह से मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा फूल गया है। तो आप लोग जो ये गलत कमेंट्स करते हो ऐसे मत क्या करो यार, क्योंकि मैं भी तो इतनी कोशिश करती हूँ ना, कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ कि अपने मतलब पेट को कम करने की। सुबह उठती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह, डाइट प्लान, एक टाइम खाना खाना, उसके बाद में घर का काम सब कुछ मैनेज कर रही हूँ ना मैं। तो आप लोग ऐसे किसी को कमेंट, ऐसे गलत कमेंट्स करके किसी के आगे वाले को दुख क्यों पहुँचाते हो? मुझे दुख नहीं होता कि आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो जो। और रही बात मेरा शरीर इतना मोटा है, ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, कोई इतनी मोटी भी मैं नहीं हूँ जो आप मुझे से कमेंट्स करते हो। है इतना मोटा, पहले नहीं था और बेबी होने के बाद हो गया। तो ऑब्वियसली जिनको भी बेबी होता है उसके बाद आमतौर पे हर महिला का वेट बढ़ ही जाता है, मोटी सी हो जाती है थोड़ी। अगर किसी को ऑपरेशन सूट हो जाता है तो ऐसे तो वो नहीं होता है, किसी का शरीर फूलता है किसी का नहीं फूलता है। उन सब महिलाओं में से मैं भी एक हूँ, मेरा शरीर फूल गया बेबी होने के बाद। तो आप लोग ऐसे गलत कमेंट्स क्यों करते हो? कल को आपकी बॉडी, आपको बेबी होगा, आपकी बॉडी भी ऐसे फूल जाएगी। तो फिर यूँ तो है नहीं कि मतलब मैं पहले से इतनी मोटी थी और अभी इतनी मोटी, पहले मैं ऐसी थी पतली दुबली, बेबी होने के बाद ऑपरेशन होने की वजह से मेरा शरीर फूल गया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसे कम करने की, कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी बॉडी को कवर कर लूँ, जितना जल्दी हो सके मैं कम कर लूँ। उसका ब्लॉग मैं एक अलग से ही डाल दूंगी। मैं भी कितनी कोशिश करती हूँगी ना, घर का काम, बेबी, उसके बाद ऐसे कोशिश करना कि पतले हो जाऊँ। तो मैं ये आशा रखती हूँ आपसे कि आप मुझे ऐसे अच्छे कमेंट्स करो कि दीदी कोई बात नहीं, आप अच्छे लग रहे हो, आप करते रहो। लेकिन आप ऐसे गंदे कमेंट्स करते हो ना मुझे, कि सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि यार आप लोगों मतलब
अच्छा नहीं बोल सको तो बुरा तो मत बोलो ना यार कम से कम। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप लोग ऐसे मुझे कमेंट्स करते हो। तो कल को आज मेरा शरीर है, कल को आपको बेबी होगा, आपका शरीर भी सब मोटा सा हो जाएगा। अगर फिर आप लोगों को ऐसे कोई कमेंट्स करे या ऐसे कोई बोले आप लोगों को तो आपको कैसा लगेगा। तो आप लोगों से ऐसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि मैं वैसे काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ ऐसे मेरे बॉडी को कम करने की, मेरे पेट को लेके कि मेरा पेट इतना मोटा है तो मैं अपने पेट को कम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। एक दिन तो सफलता मिल ही जाएगी मुझे, ऐसा खुद को विश्वास है खुद पर। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसे कमेंट्स मुझे मत करा करो। अगर हो सके तो मेरे ब्लॉग देखो, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं आप लोगों को मुझे ब्लॉग दिखाना कि आप मेरे ब्लॉग देखो ही देखो। हो तो शेयर करो, नहीं हो तो मत करो, पर ऐसे गंदे कमेंट्स भी किसी को करके किसी की भावनाओं को टेस्ट मत पहुँचाओ आप लोग। और बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नया अकाउंट बनाया है मैंने, और गंदे कमेंट्स मत करना मुझे। और मतलब मेरी भावनाओं को समझना कि मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ तो मतलब आप खुद इतने समझदार हो कि आप समझ सकते हो कि मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है। ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं आप लोगों को। तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।